उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब मैं अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री भाग दो में आपका स्वागत है। अरवली जिले के तालुका में महिला मोर्चा, भाजपा के महिला मोर्चा द्वारा उनको भी टिकट दी गई है। और आइए जानते हैं अरवली जिले की महिलाएं भाजपा सरकार के लिए क्या कहती है, और आने वाले समय में जो 1 और 5 तारीख को चुनाव के दो चरणों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव, उस चुनाव को लेकर महिला मोर्चा क्या कह रही है और किस प्रकार से महिला मोर्चा ने कमर कस ली है मुंह तोड़ जवाब देने का। किसी भी क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो महिलाएं कहीं भी पीछे हट नहीं है। महिलाओं ने अपना स्थान बहुत ही सकारात्मक तरीके से हर जगह पर मजबूत करने का सकारात्मक प्रयास करता हुआ नजर आ रहे हैं। ये महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से भी पीछे नहीं है, और इस चुनाव में महिलाओं को भी टिकट दिया गया है और महिलाएं भी चुनाव के मैदान पर आ गई है। 22 की शुरुआत हो चुकी है और काफी हर एक पक्ष में उत्साह दिखाई दे रहा है और सभी पक्ष के उम्मीदवार अपने एड़ी जोर से काम कर रहे हैं। आज अरवली के मुहासा तहसील में उज्जवल भारत न्यूज पहुंची है और आज हम मतदारों से जानकारी लेंगे, और उसमें भी आज भारतीय जनता पार्टी की नारी शक्ति यहां पे उपस्थित है, उनसे यहां के मत विस्तार के बारे में जानकारी लेंगे और यहां के विधायक कितने वोटों से जीत पाएंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। वंदे मातरम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, आज प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान हो चुका है, तो अरवली जिला की 3 विधानसभा सीटें, तीनों के बारे में आप जानकारी दीजिए। तीनों सीटों में पहले भी नजीबी गणतरी पे सब लोग हार गए थे तीनों, लेकिन ये बार तो 700 वोट पे मोड़ासा विधानसभा भिक्खू सिंह परमार को दिए, वो भी हार गए थे, लेकिन ये बार तो आ जाएंगे। दूसरी विधानसभा हमारी बिलोड़ा, वहाँ पीसी बरंडा साहब को दिया है, वो भी आ जाएंगे। वहाँ का भी अभी माहौल बहुत अच्छा है और वो भी अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा प्रचार करते हैं और सब कार्यकर्ता भी साथ दे रहे हैं। वो बायड़ की है, बायड़ और मालपुर की एक होती है, वहाँ भिक्खीबेन परमार है, उनको भी टिकट दिए, वो भी एक बार तो पहले जीत चुके हैं, बीच में नहीं लड़े थे, अब ये भी उनको उम्मीदवारी की, ये भी जीत जाएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। भाजपा की संकल्प शक्ति और विकास की गाथा, डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के मतदारों का कहना है, तो और हम आगे बात करेंगे। सुनीता बहन जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति को बहुत महत्व दिया है और 3 सीटों में से 1 सीट नारी शक्ति के हिस्से में डाली है, तो आपको क्या कहना है और इस चुनाव के बारे में कैसा रहेगा माहौल और भारतीय जनता पार्टी का माहौल कैसा रहेगा और प्रत्याशी की जीत की उम्मीदें कितनी है, आप जानकारी दीजिए। जी, बायड़ विधानसभा से भिक्खीबेन परमार को जो टिकट दी गई है उसके लिए हम बहुत खुश हैं कि इस बार महिलाओं को बहुत महत्व दिया जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सरकार है और ऐसा लग रहा है कि हम खुल के साथ भी ले सकते हैं, और इस बार शहर महिला मोर्चा होने के नाते हम सभी ने ये प्रण लिया है कि बहुत जंगी बहुमती से हम इनको जिताएंगे और नारी शक्ति पुरवार करेंगे, और हम ये उनको भी दिखा देंगे कि नारी सब कुछ कर सकती है अगर आप उन्हें नज़रअंदाज ना करो तो। आपकी बात सही है, विकास की गाथा, यहाँ पे जिला अरवली जिला बने हुए आज 10 साल हो गए, आपको विकास कैसा लगता है? 2 टर्म से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए थे।